तो 2 हफ्ते की फरलो पर अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हां, 2 हफ्ते की फरलो पर अजय चौटाला तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि अजय चौटाला आज शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने चौटाला परिवार के एक होने पर क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। एक ही बात पहले दिन जिस दिन बाहर आकर के कही थी, यही कही थी कि हम रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देंगे, हालात ऐसे बना देंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो अपने फैसले पर रीथिंक करें कि उन्होंने गलत निर्णय किया, जिसका परिणाम आज प्रदेश की जनता को जहां भुगतना पड़ा वहीं परिवार को भी भुगतना पड़ा। और मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, वो रीथिंक करे, वो आए तो स्वागत है, हमारे बड़े हैं, हम उसी तरह का सम्मान और इज्जत उनका बढ़ाए। परिणाम आज प्रदेश की जनता को जहां भुगतना पड़ा वहीं परिवार को भी भुगतना पड़ा। और मैं तो अब भी यही कहता हूं कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे, वो रीथिंक करे, वो आए तो स्वागत है, हमारे बड़े हैं, हम उसी तरह का सम्मान और इज्जत उनका बढ़ाए। मैं सदैव इस बात का पक्षधर हूँ कि कभी परिवार में बिखराव से कोई फायदा थोड़ा ही होता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर हरियाणा ब्रेकिंग, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक स्थगित की गई है। जी हां, कैबिनेट बैठक स्थगित की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज नहीं होगी कैबिनेट मीटिंग। हालांकि सभी लोगों को इंतजार था कि कैबिनेट मीटिंग किस तरीके से होने वाली है, कैबिनेट का विस्तार किस तरीके से होगा, लेकिन दिवाली के चलते कैबिनेट मीटिंग स्थगित होने की संभावना जताई जा रही है। शपथ समारोह के बाद करनाल जाएंगे मनोहर लाल। सूत्रों के बारे से ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बेहद अहम खबर कि कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई है और दिवाली का मौका है, इसी के चलते कैबिनेट मीटिंग स्थगित की गई है। ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन आपको बता दें आज कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। सोर्सेज ये खबर बता रहे हैं कि दिवाली के चलते मीटिंग स्थगित कर दी गई है, तो आज मीटिंग ना होने की संभावना है। और ये बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद करनाल जाएंगे मनोहर लाल। तो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें मुख्यमंत्री के पद पर जब शपथ लेंगे मनोहर लाल, उसके बाद करनाल जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है कि कैबिनेट बैठक आज नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिवाली की वजह से आज ये मीटिंग स्थगित कर दी गई है। दिवाली का त्योहार है जिस वजह से ये मीटिंग स्थगित कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं। जी पवन, खबर सामने आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग आज स्थगित हो सकती है, लेकिन पहले बताया जा रहा था कि 5 बजे मीटिंग हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है मेरे पास अभी अपडेट जानकारी, उसके मुताबिक जो मंत्रिमंडल की बैठक जो होने की चर्चा थी आज के शपथ समारोह के बाद, उसको फिलहाल जो है वो टालने की, स्थगित करने की जानकारी है। चूंकि जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ से शपथ समारोह के बाद जो है वो करनाल जाएंगे और साथ में दिवाली का पर्व है, इस मौके पर जो है वो आज मंत्रिमंडल की बैठक अगर शाम को 5 बजे होती है तो सारी जो व्यवस्था है उसमें जो है वो तमाम लोगों को दिक्कतें जो है वो रहेंगी। इसी के चलते जो है वो आज शपथ समारोह के बाद होने वाली कैबिनेट की जो बैठक है उसको फिलहाल स्थगित किए जाने की जानकारी है। लेकिन राजभवन के बाहर किस तरीके की तस्वीरें हैं मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा। राजभवन के बाहर जो है वो गहमागहमी जो है वो लगातार बढ़ी हुई है। अभी बबीता फोगाट जो है वो जो है वो यहाँ पर निकली हैं और वो अपनी गाड़ी जो है वो जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर गाड़ी के को खड़ा करने के बाद जो है वो यहाँ पे राजभवन के अंदर उनका प्रवेश जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। और तमाम जो बाकी बीजेपी के नेता हैं या फिर जेजेपी के नेता हैं उनकी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुई है। और जो तमाम जो लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के साथ साथ जो है वो जो घेरा बना हुआ है उसके साथ साथ जो है वो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर नज़र आ रही है। और जो ठीक जो है वो राजभवन के दाईं तरफ जो है, राजभवन के अंदर जो दाईं तरफ का एरिया है वहाँ पर ये टेंट जो है वो लगाया गया है जिसमें जो है वो शपथ समारोह आयोजित होना है। ये जो राजभवन के सामने जो दाईं तरफ का जो पार्किंग एरिया है वहाँ पर जो है ये व्यवस्था शपथ समारोह के लिए की गई है। तो पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। अब जो है वो कुछ ही जो है वो घंटों का इंतज़ार बचा है। करीब अब 12:15 का वक्त है और 2:15 बजे जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर
एक बार फिर जो है वो मनोहर लाल खट्टर जो है वो शपथ लेंगे, और साथ ही उनके साथ जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। कैबिनेट में कुछ मंत्रियों को भी आज शपथ दिलवाई जा सकती है, लेकिन आज जो है वो देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से जो है वो शपथ समारोह के बाद जो है वो क्या जो है वो आगे का कार्यक्रम रहता है। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, अभी तक की जो जानकारी है, उसके मुताबिक शपथ समारोह के तुरंत बाद जो है वो और कोई कार्यक्रम आज नहीं रखा गया है, क्योंकि सभी नेताओं को अपने अपने घर पे या अपने क्षेत्र में पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जो है वो दिवाली के पर्व के चलते जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जो लोग हैं समर्थन में जो खड़े रहे हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में पहुंचना है, अपने परिवार के साथ जो है वो दिवाली का पर्व है, तो वहां पर जाने के चलते जो कैबिनेट की बैठक की चर्चा थी कि मंत्रिमंडल की जो है वो बैठक हो सकती है शपथ समारोह के बाद, तो वो फिलहाल जो है वो टलने की, स्थगित करने की जानकारी मिल रही है। जी पवन, क्योंकि आप राजभवन में ही मौजूद हैं और लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़ा इंतजाम वहां पर किए गए हैं, मैं जरूर चाहूंगी आप अगर हो सके तो वहां पर जो पुलिस बल तैनात हैं उनसे जरूर बातचीत करें और दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स वहां पर किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें समर्थकों की और कार्यकर्ताओं की जो आज यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 1:15 बजे मीटिंग होगी, तो किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं का आना क्या शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जो है वो राजभवन की बाहर की तस्वीर जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस जो है वो संयुक्त तौर पर तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो व्यवस्था को देख रही है, साथ ही चंडीगढ़ पुलिस जो है वो क्षेत्र ये चंडीगढ़ का है, इस नाते जो है वो यहाँ पर डेप्यूट हुई है, और चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस एक समन्वय के साथ जो है वो पूरी जिम्मेवारी देख रही है। आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश है वो फिलहाल जिनकी ड्यूटी है वीआईपी ड्यूटीज में जो लोग जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो लगाए गए हैं उनको जो है वो एंट्री जो है वो यहाँ से दी जा रही है, और जबकि जो दूसरे जो तमाम जो लोग पहुंचेंगे उनकी एंट्री जो है वो इस गेट से होगी। ये गेट जो है राजभवन का, जहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, यहाँ से जो है वो एंट्री होगी, और जो है वो बबीता फोगाट से जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। बबीता फोगाट जो है, बबीता जी सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से देखते हैं जो आपकी सरकार एक बार फिर बनने जा रही है बीजेपी की? जी मैं सबसे पहले तो हैप्पी दीपावली सभी को, पूरे भारतवर्ष के जो जनता जनार्दन उसको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगी, और एमएलए बनने पर और मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए भी, और धन्यवाद करूँगी जनता जनार्दन का कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने इतना भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जो है वो निकल कर आई है, और आप गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं, किस तरीके से हरियाणा के लोगों की बीजेपी जो है वो 5 साल जो है वो जिस तरीके की पहले सरकार रही है वैसी ही उसी तर्ज पर सरकार चलेगी? बिल्कुल उसी तरह ही चलेगी, उन्होंने साफ नीयत से ईमानदारी से काम किया है, और उसी के कारण आज दोबारा सरकार बनने जा रही है। फोगाट जो है वो कुश्ती के दंगल में दमखम दिखा पाई, लेकिन राजनीतिक दंगल में थोड़ा पिछड़ी है, अब बीजेपी में भूमिका में किस तरीके से सरकार में रहेंगी? देखिए सरकार में रहेंगे और काम करेंगे लोगों के बीच में रह के, और इस सेवा के भाव से आए तो सेवा ही करेंगे। जी थैंक यू जी। तो ये बबीता फोगाट जो है वो हमारे साथ थी जो राजभवन पहुंची है शपथ समारोह में जो है वो बबीता फोगाट जो है वो मौजूद रहेंगी। बबीता ने कहा है कि जिस सेवा भाव से जो है वो पार्टी में आए हैं वो सेवा भाव जो है वो जारी रहेगा, यानी अब जो है वो विधायक वो बिल्कुल नहीं बन सकी, चुनाव में वो हार गई, लेकिन बीजेपी में वो अब एक सरकार के साथ और संगठन के साथ सेवा भाव के तौर पर जुड़ी रहेंगी और लगातार आगे काम करेंगी। जी जी पवन बिल्कुल, और खबर ये भी सामने आ रही थी कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रकाश सिंह बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर पहुंचेंगे, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्या आपके पास इसको लेकर कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो है वो ये जानकारी मिल रही है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के जो आने की जानकारी थी वो जो है वो स्पष्ट तौर पर नहीं है, क्योंकि पहले देर रात को ये मैसेज जो है वो मीडिया को मिला था कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के शपथ समारोह में पहुँचेंगे, लेकिन अभी जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं है, और साथ ही जो है वो पंजाब के जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल जो है उनके पहुंचने का कार्यक्रम भी अभी स्पष्ट तौर पर जो है वो नहीं जानकारी दी जा रही है, लेकिन जो शपथ समारोह में अब जो है वो कुछ ही घंटे बाकी है और हम राजभवन के बाहर मौजूद हैं, देखने वाली बात ही रहेगी, नज़र रहेगी कि कौन कौन नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन बीजेपी के जो करनाल के सांसद संजय भाटिया हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने इस तरीके की कोई स्पष्ट तौर
और कुछ बड़े नेता जो है वो जरूर यहाँ रहेंगे, लेकिन बाकी पार्टी हाईकमान से कोई और बड़े नेता कौन कौन रहेंगे इसके ऊपर अभी तक जो क्लियर जो स्टैंड है या स्पष्ट जानकारी है वो नहीं मिली है। जी पवन, क्योंकि अजय चौटाला भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो किस तरीके का माहौल है जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच और समर्थकों के बीच? देखिए, जननायक जनता पार्टी के नेता जो है वो अजय सिंह चौटाला को फरलो जो है वो 2 हफ्ते की मिली है, और आज जो है वो फरलो जो है उनको कल मिली है, और आज जो है वो उनके पार्टी से जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके बेटे दुष्यंत चौटाला जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। लिहाजा जननायक जनता पार्टी खेमे में काफी खुशी है, काफी उत्साह है उनके कार्यकर्ताओं में, और अजय सिंह चौटाला भी चंडीगढ़। जी पवन, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर, राजभवन के लिए निकले अजय चौटाला। जी हां, जेजेपी कार्यालय से राजभवन के लिए निकले हैं अजय चौटाला। बेहद अहम खबर, राजभवन के लिए निकल चुके हैं अजय चौटाला। खबर सामने आ रही थी कि जेजेपी कार्यालय में पहुंचे थे अजय चौटाला, लेकिन अब जेजेपी कार्यालय से राजभवन के लिए निकल चुके हैं। पवन सिवर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी पवन, आप कुछ बता रहे थे, कुछ जानकारी दे रहे थे अजय चौटाला के वहां पर पहुंचने पर, जी बताइए। आप बिल्कुल देखिए, अजय सिंह चौटाला जो है वो चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं जेजेपी कार्यालय से, जो है वो अब उनके राजभवन की तरफ निकलने की जानकारी है, और अभी हम भी राजभवन के बाहर मौजूद हैं। लगातार जो है वो हम अपने जनता टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है और किस तरीके से जो है वो इंतजाम किए गए हैं। कार्यकर्ताओं का जो पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं, और अगर अजय सिंह चौटाला जेजेपी ऑफिस से अगर यहाँ के लिए निकले हैं तो वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो है वो आप जेजेपी के नेता जो है वो कब तक यहाँ पहुँचते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन समर्थक जो है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं, और ये समर्थक जो है वो आपको यहाँ पर बाहर जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन समर्थकों को फिलहाल एंट्री जो है वो अभी जो है वो नहीं ओपन की गई है, इसी के चलते वो बाहर जो है वो नज़र आ रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी कड़ी की हुई है। और देखने वाली बात ये रहेगी कि अजय सिंह चौटाला जो है वो यहाँ पर कब तक और कितनी देर में पहुँचते हैं, और जो है वो ये समर्थक जो है वो जननायक जनता पार्टी के यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी एंट्री जब जो खुलेगी तो उसके बाद जो है वो जननायक जनता पार्टी के नेता कब तक पहुँचते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन तमाम जो है नेता जो है वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, और इन नेताओं के पहुँचने के जो साथ साथ जो है वो अन्य जो समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थकों की बात करें या फिर जेजेपी के समर्थकों की बात करें या फिर निर्दलीय के समर्थकों की बात करें, तो वो भी यहाँ पर जुट रहे हैं, और जो है वो यहाँ पर तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके भी पहुँचने की जानकारी है, और जननायक जनता पार्टी से अजय सिंह चौटाला जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही कांग्रेस से भी एक बड़ी जानकारी अभी जो निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अभी इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद रह सकते हैं। एक बार मैं गाड़ियों का काफिला दिखाना चाहूँगा, गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पहुँच रही है। इन गाड़ियों को आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये गाड़ियाँ जो है वो नई गाड़ियाँ हैं, और इन गाड़ियों में जो मंत्री बनेंगे और जिनको ये गाड़ियाँ एक मंत्री बनने के नाते या उप मुख्यमंत्री के नाते जो प्रोटोकॉल के तहत उनको आवंटित की जाएगी वो जो है ये गाड़ियाँ हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमारे पास, जिसमें ये वो गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ मंत्री बनने पर या फिर उप मुख्यमंत्री बनने पर उनको उनके उस कोटे से अलॉट होगी, यानी अब हरियाणा में जो नई कैबिनेट का स्वरूप होगा उस नई कैबिनेट के अंदर जो चेहरे आएंगे वो इन गाड़ियों के अंदर जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि इन गाड़ियों को उनको अलॉट किया जाएगा। ये जो है वो बड़ी तस्वीरें हैं, एक बार फिर जो है वो हम दिखाएंगे जो है वो हरियाणा राजभवन में इन गाड़ियों का प्रवेश जो है वो अभी होना है, और इन गाड़ियों को अभी अंदर जो है वो प्रवेश दे दिया गया है। हरियाणा राजभवन में जो ये गाड़ियाँ अभी जा रही है, इन गाड़ियों में शपथ समारोह के बाद वो तमाम लोग सवार होंगे जिनको मौका जो है वो दिया जाएगा, मंत्रालय उनको दिए जाएंगे, और जो जिनको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण दी जाएगी उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो है जो आज उनके बीच में जो नेताओं के समर्थक जो पहुंचे हैं उनके नेताओं को जो जिम्मेवारी कैबिनेट में दी जाएगी उसके बाद जो है वो इन गाड़ियों में ही वो बाहर जो है वो वापस प्रोटोकॉल के तहत आएंगे। ये जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, बाडेडा से जो है वो संबंध रखते हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, ये अपना जो एंट्री जो है वो लेने जा रहे हैं। इस तरीके से सभी जो यहाँ पर नेता या कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं उनको एक प्रोसेस के तहत ही एंट्री जो है वो राजभवन में दी जा रही है,
और राजभवन में जो ये शपथ समारोह है इसका समय 1:15 बजे निमंत्रण का दिया गया है, लेकिन शुरू जो है ये कार्यक्रम करीब 2 बजे ही हो पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो शपथ समारोह का समय है वो करीब 2:15 बजे का है। जी जी पवन, क्योंकि आप ये भी जानकारी दे रहे थे कि अंदर जो चेयर्स की व्यवस्था है वो लगभग 500 से 700 के बीच में की गई है, तो ऐसे में अगर भारी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो भी काफी अच्छी तरीके से उनके लिए स्क्रीन्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पवन।